गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग का टॉपिक है इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। भारत एक महान विविधता की भूमि है। इंडिया इज द लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी वेयर वी इंडियंस डिस्प्यूट आवर डिफरेंसेस हैव लिव हारमोनियसली फॉर सेंचुरी वी वर्शिप Difference God, eat a variety of foods, celebrate different festivals and speak various language. But when you ponder over it, you will realize that there are so many things that we do identically, only our way of doing them are different. Let us try to understand the diversity in India. It means भारत एक महान विविधता का देश है, जहाँ हम भारतीय हमारे मतभेदों के बावजूद सदियों से सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहते हैं। हम विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, विभिन्न त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न भाषाएं भी बोलते हैं। लेकिन जब आप इस पर विचार करते हैं तो आपको महसूस होगा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पहचान करते हैं, केवल उन्हें करने के हमारे तरीके अलग होते हैं। आइए हम भारत में विविधता को समझने की कोशिश करें। सेकंड टॉपिक है, अब कैसे समझेंगे ये आपको भारत में विविधता में आपको टॉपिक में बतलाया जाएगा। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज नोन एज ए नेशन हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दिस फ्रेज वाज कॉइन्ड बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑकर इन इंडिया सच एज लिंग्विस्टिक्स religious, regional and cultural diversity. It means भारत में विविधता में एकता वाले राष्ट्र के एक रूप में जाना जाता है। यह वाक्यांश भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित किया गया था। भारत में कई प्रकार की विविधताएं होती हैं, जैसे भाषाएं, धार्मिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे। तब तक ऑल स्टूडेंट इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा और अच्छा से पढ़िएगा। ओके, सो थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।